जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का ये सुरम्य स्थान सिंगोड़ी और सिंगोड़ी से बाईपास निकलता हुआ नरसिंहपुर जबलपुर रोड और सागर रोड या यूँ कहें झांसी सागर या और भी आगे तक जाता हुआ ये रोड यहाँ पसरा हुआ सन्नाटा आज 29 मार्च को ये पसरा हुआ सन्नाटा आपको ये बता रहा है कि किस तरह से सभी लोग घरों में रह रहे हैं। पूरा हाईवे में शांति का माहौल और केवल मंद मंद ये पवन बहती हुई चिड़ियों की चहचहाट आवाज़ आप सुन सकते हैं और ये पूरा देखिए कहीं भी मानव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ सन्नाटा, लोग घरों में अंदर रहने के लिए मजबूर और ये है कोरोना वायरस का प्रभाव भारत के अंदर। पूरा रोड जाम, पूरा रेलवे स्टेशन, पूरे ट्रेन्स प्लेटफॉर्म्स कहीं भी लोग दिखाई नहीं दे रहे, सभी घरों में अपने अपने घरों में। क्यों? कोरोना से लड़ना है। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे हम सब लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस समय में अपने घर की छत के ऊपर मौजूद हूँ और सुरक्षित हूँ, अच्छा हूँ, स्वास्थ्य सही है एकदम। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी की मेस में भोजनालय में जाऊंगा, सुबह 9 बजे वहाँ ब्रेकफास्ट शुरू होगा, दोपहर 1:30 बजे लंच होता है और शाम 8 बजे डिनर होता है, जहाँ पर हमारी माइग्रेशन से आए हुए जवाहर नवोदय विद्यालय गांधीनगर से आए हुए बच्चे हैं, हमारे सभी टीचर्स हैं और बखूबी भोजनालय के अंदर सारी भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। प्राचार्य महोदया श्रीमती वीएस जोशी के मार्ग निर्देशन में ये सारा कार्य हो रहा है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ नवोदय विद्यालय समिति के सभी अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? इस विषम परिस्थिति में हम लोगों को जिस तरह से यहाँ रखा जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी मध्य प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। किसी भी प्रकार की यहाँ हमें तकलीफ नहीं है, भोजन व्यवस्था से लेकर और इमरजेंसी में यदि ज़रूरत पड़े तो विद्यालय वाहन मौजूद है। प्राचार्य महोदया सतत प्रयासरत हैं कि हमारे किसी भी बच्चे को और किसी भी अध्यापक को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सभी लोग भारत सरकार की इस आदेश का पालन कर रहे हैं कि हम सब अपने घरों के अंदर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी मध्य प्रदेश की विद्यालय की छत के ऊपर से नज़ारा आपको ये सिंगोड़ी टाउन का और ये हाईवे का दिखा रहा हूँ। मकसद सिर्फ इतना है कि आप जान लीजिए, जान है तो जहान है, अपने घरों में शांतिपूर्वक रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। हम अवश्य ये इस युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हमारा एक एक भारतीय नागरिक सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा और आगे भी इसी तरह से हम सहयोग से
एकता से रहेंगे। जात धर्म सबसे ऊपर उठकर हमारा पहले भारत देश है और उसके बाद सभी विविध धर्मों विविध जातियों के संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति है। विविधता में एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।